ये क्वेश्चन नीट 2022 का ही भी है, क्वेश्चन आपके सामने होगा। लिखा टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 केजी एंड 20 केजी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मास पे विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज 10 केजी। देन क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 केजी मास इज व्हाट। समझिएगा, ये एक गिवन क्या पहले देख लेते हैं, एक मास 10 केजी है, M1 मान लेते हैं 10 केजी, दूसरा मास M2 है वो कितने केजी का है, 20 केजी का है, और कहते हैं कि ये इसकी लेंथ जो है, टोटल जो लेंथ दी हुई है वो दी है 10 मीटर, और कहते हैं इसका मास नेग्लिजिबल है। समझिएगा, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती जो कि है मान लेते हैं, और इसका खुद का मास दिया होता, तो ये कहने की जरूरत नहीं है इसका खुद का मास इसके सेंटर पे काम करता, नहीं समझे। लेकिन चूंकि नेग्लिजिबल मास है इसलिए हम इसके मास को यहां पर एक्ट नहीं कराएंगे, हमने मिड पॉइंट शो कर दिया, अलग की बात है। फिर ये कह रहे हैं कि टू ऑब्जेक्ट जो है ये दो एंड से कनेक्टेड है, यानी यहां पर 10 केजी का मास कनेक्टेड है, यहां पर 20 केजी का है, हम चाहे तो 20 जी लिख दें और 10 जी लिख दें, मतलब फोर्स के वेट के फॉर्म में हम इसको न्यूटन में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, ठीक है। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या यहां पर बैलेंस हो जाएगा, नहीं, ये ज्यादा वेट की तरफ कहीं यहां बैलेंस करना पड़ेगा, ये इस पॉइंट पे बैलेंस करना पड़ेगा, मान लीजिए सी पॉइंट पे बैलेंस है, मैं फिलहाल इस मिड पॉइंट को सी मान लेता हूं, ये जी पॉइंट पे बैलेंस है, और जी पॉइंट की यहां से डिस्टेंस एक्स हो गई जाकर के, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10 - x हो जाएगी, क्यों, और हमने आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जिस पॉइंट पे वो बैलेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट और राइट हैंड साइड का मोमेंट सेम होता है, तो अगर लेफ्ट साइड का मोमेंट आपको निकालना है तो कितना होगा, 10g, जी से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, 10 ही लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इनटू ये एक्स दूरी है बराबर यहां पर 20 है और ये जी लिख दो। अच्छा, ये आपका 10 - x है, आप कैलकुलेट कर लो, जी से जी कट गया, 10 × 2 = 20 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20 - 2x, 2x ले आओ, 3x = 20, x बराबर 20/3 मीटर फ्रॉम 10 केजी। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा कहां से। अच्छा, एक बात और नोट कर लिया ना, अब देखो, अगर नोट कर लिया इसको, अब अगर यही बॉडी आपकी दी होती कि रॉड खुद में 5 केजी की है तो इसका खुद का वेट यहां पर 5g एक्ट करता, नहीं एक्ट करता, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाती, ये दूरी कितनी होती, देखो ये एक्स है, ये 5 है, तो ये एक्स में से 5 माइनस करोगे तो ये आपका x - 5 हो जाएगा ना, तो अभी भी जी के, चूंकि जी इसका बैलेंस पॉइंट है तो जी के उधर का मोमेंट बराबर जी के इधर का मोमेंट, यानी कि 10g मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5g, प्लस, अभी इधर भी आए ना, प्लस 5g मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 20g मल्टीप्लाइड बाई 10 - x, तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे, समझ बात आई नहीं आई, अब इसको x मान लो, एक अलग बात है, किसी को भी मान सकते हो, अल्टीमेटली एक अननोन चीज होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें ना हो जाए, तो ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है।